देखो बच्चों, ये चुंबक जो है हम यहाँ पेपर के नीचे रख रहे हैं, ठीक है, रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा सा ये आयरन यानी लोहे का चूर डालेंगे, ठीक है। अभी और क्लियर होगा, रुको। ये देखो, आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, है ना। और आपको ये दिख रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चूड़ है ज्यादा इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे, ठीक है। और फिर कुछ आपको ऐसी लाइनें ये दिख रही हैं, ये जैसे यहाँ से निकली हुई, यहाँ से निकली हुई नजर आ रही है। ये थोड़ा सा इसको और करो, ठीक। तो ये लाइनें आपको क्यों दिख रही है, इसका क्या कारण है? देखो बच्चों, ये जो चुंबक है उसमें एक शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी वस्तु अपने ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है, ठीक। तो ये जो इतना भाग है, इतना एरिया जो है, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चुंबक की शक्ति इतने एरिया में, इतने क्षेत्र में काम करेगी। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी लोहे की, निकल की, कोबल्ट की वस्तु होगी तो चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेगी। और इस क्षेत्र से बाहर कोई वस्तु अगर होगी तो चुंबक उसे आसानी से खींच नहीं। इस प्रकार से ये इस क्षेत्र में इन दोनों पोल से कुछ रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। क्या निकलती हैं? रेखाएं। उन्हें क्या कहती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से निकल के एक दूसरे पोल तक जाती हैं और एक क्षेत्र, एक एरिया बना लेती हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उस चुंबकीय क्षेत्र में जो लोहे की, निकल की, कोबल्ट की वस्तु आएगी वह उसे खींच लेगी। इस क्षेत्र से बाहर यदि कोई वस्तु होगी तो उसको खींच नहीं पाएगी। समझ में आया कि चुंबक किसी वस्तु को क्यों खींच लेती है, ठीक है।